सर्दियों का मौसम शुरू है और ऐसे में गार्डन में बहुत ही प्यारे प्यारे रंग बिरंगे फूल आते हैं, जिससे गार्डन एकदम सुंदर दिखता है। ऐसे ही एक सुंदर फूल जो कि कई रंग में आते हैं, आज के वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, ऐसी ही तमाम तरह की जानकारियाँ आपको यहाँ मिलती रहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेघा और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है मेघाज ब्लॉसमिंग गार्डन। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्दियों के मौसम में एक बहुत ही प्यारा फूल आता है, जिसका नाम है क्लार्किया, या आप इसे गोडेशिया के रूप में भी जानते होंगे। क्लार्किया को लगाने का सबसे अच्छा मौसम सर्दियों का मौसम है। इसके बीज 10 से 35 डिग्री सेल्सियस में अंकुरित होते हैं और लगभग 7 से 10 दिन लगते हैं अंकुरित होने के लिए। इन पौधों को कम सनलाइट की आवश्यकता होती है, या आप इन्हें सेमी शेड में भी रख सकते हैं। इसे लगाने के 40 से 50 दिनों बाद फूल आना शुरू हो जाते हैं। इनमें पिंक, पर्पल, व्हाइट और बहुत सारे प्यारे प्यारे रंग के फूल आते हैं। प्रोपगेशन इसकी बीजों से होती है और हम इसे डायरेक्टली गमले में लगा सकते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में। इन्हें हम बॉर्डर के तौर पर भी लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मिट्टी इनको वेल ड्रेन्ड और रिच खाद से भरपूर चाहिए। इन्हें ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं, बस जरूरत भर का पानी चाहिए। ऊपर की मिट्टी सूख जाए तभी इसे पानी देना चाहिए। इसे कट फ्लावर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं या बॉर्डर के रूप में भी। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।